दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बैक टू बैक मैं आपको एक एक करके वीडियो सारे प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसी क्रम में आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि आपको लेथ मशीन का वीडियो है। और लेथ मशीन आपने देखी होगी जो कि यहाँ पर फिटर वालों के लिए और इसके अलावा जो है ना आपके मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड वालों के लिए बहुत यूजफुल होता है ये वीडियो, जो कि आपको बताता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर जो है आपको टीचर्स कराते नहीं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक एग्जाम में इसमें से पूछे जा सकते हैं। लेथ मशीन आप जानते हो, ये लेथ मशीन जो है सबसे पहले आप देख रहे हो ये क्या है, मैं आपको पूरे भागों के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि लेथ मशीन क्या है, तो आपका क्या आंसर रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो आपको पहला ही यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन क्या है, तो सबसे पहले देखिएगा आपको आंसर देना है कि लेथ मशीन क्या है। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपसे पूछा गया कि लेथ मशीन क्या है, तो इसमें आपको पहला नंबर का आंसर रहेगा कि ये सभी मशीनों की जननी है, अर्थात लेथ मशीन। आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी मशीन है जो सभी मशीनों की जननी कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा सभी मशीनों की जननी मतलब यहाँ पर जन्म देने वाली, तो सभी मशीनों की जननी किसे कहते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपका शुरुआत हो जाता, तो लेथ मशीन को कहते हैं, खराद मशीन को कहते हैं। एक्चुअल में इसका कार्य भी जो है खरादना ही होता है यहाँ पर। अब सभी मशीनों की जननी तो कहते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन अगला आ जाता है कि क्यों कहते हैं फादर ऑफ, देखिएगा मशीन से इसको जो कहते हैं मशीनों की जननी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कारण है, देखिएगा इसको, देखिएगा यहाँ लेथ मशीन को जो है यहाँ क्या कहते हैं, देखिएगा जो है ये क्यों कहा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि इसके द्वारा जो सभी मशीनों के पार्ट्स होते हैं ना, सभी पार्ट्स मतलब होता है अवयव, क्या होता है, सभी पार्ट्स का मतलब होता है अवयवों का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना निर्माण किया जाता है। अब निर्माण जब किसी चीज का किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि चाहे कोई सी भी मशीन बना हो, उसमें यूजफुल उसके पार्ट्स बनाने में किसका उपयोग कर रहे हैं, लेथ मशीन का, सीएनसी मशीन हो, प्लेनर मशीन हो, सेपर मशीन हो, स्लोटर मशीन हो, इंजन हो, जनित्र हो, चाहे कोई सी भी दुनिया की मशीन हो, सरल मशीन हो या बड़ी मशीन हो, डिफिकल्ट, देखिए एक एक जो भी डिफिकल्ट वर्क आते हैं, इजी वर्क आते हैं, सब के निर्माण के लिए अपन किसका यूज करते हैं, यहाँ खराद मशीन अर्थात लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसको जो है लेथ मशीन को क्या कहते हैं, यहाँ पर जननी कहते हैं सभी मशीनों की, क्या कहते हैं, जननी कहते हैं सभी मशीनों की, ठीक है। तो मदर कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, मदर, माँ, क्यों, क्योंकि इसने ही जन्म दिया है इन सभी मशीनों के निर्माण के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो मैं एक एक चीज को आपको क्लियर स्पष्ट कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि किस लिए, तो प्रत्येक का जवाब भी दे रहा हूँ कि क्यों होता है ऐसा, इसलिए क्यों होने की वजह क्या है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अब इसमें देखिएगा मैं सभी के बारे में एक एक चीज का क्लियर करूंगा, तो आपको ध्यान रखने की बात है कि किस तरह से क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पूछी जाती है। अब आपसे पूछा जाता है कि इस मशीन का जो है एक्चुअल कार्य क्या है, मैं पार्ट्सों पर भी जिक्र करूंगा, एक एक भाग का विस्तार से बताऊंगा, पूरे अलग अलग करके भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि इसका यूज क्या है, लेथ मशीन का जो यूज है वो क्या है। एक्चुअल में इसका नाम है खराद, तो इसका मतलब होता है टर्निंग करना, क्या होता है, टर्निंग करना। तो पहला यूज है इसका कार्य है खरादना, मतलब टर्निंग करना, टर्निंग का मतलब ही होता है यहाँ खरादना, क्या होता, खरादना, और खरादने से ही बनता है ये खराद मशीन, खरादने से ही बनता है खराद मशीन। एक्चुअल में टर्निंग का मतलब होता है खरादना और खरादने से बनता है खराद मशीन, इसका कार्य होता है टर्निंग। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका कार्य टर्निंग है, तो इसके द्वारा जो इस पर जो मशीन पर कारीगर कार्य कर रहा है, कारीगर जो कार्य कर रहा है उसको क्या कहेंगे, यहाँ टर्निंग से ही बनता है, जो कारीगर कार्य करता है उसको टर्नर कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्नर। तो टर्नर भी एक ट्रेड होती है जिसमें मशीनों 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 का यूज होता है।
तो लेथ मशीन आप समझ सकते हो। भैयो आपके जो यूपी में जो भर्ती आई है, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं 78 पोस्टें उनके लिए, और जो भी आईटीआई फिटर की थ्योरी है, टर्नर की थ्योरी है उन, और इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर जो आपके मशीनिस्ट की थ्योरी है, उन सबके लिए बेहद काम का वीडियो है ये। आप देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो आपसे पूछा जाता है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, टर्निंग। देखिए टर्निंग का मतलब तो खरादना, टर्नर मतलब लेथ मशीन पर जो कारीगर कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, टर्नर। और इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये कार्य हो गया, इसका यूज हो गया, तो क्या यूज किया जाता है, क्या उपयोग है इसका, या क्या कार्य है, या यूज कीजिए। अगर कार्य भी कहे तो क्या बताओगे आप यहाँ। आपको अगर ये पूछा जाता है कि लेथ मशीन का क्या कार्य है, तो पहला टर्निंग करना, दूसरा कौन सा है। देखिएगा यहाँ पर टर्निंग के अलावा जो फेसिंग है, टर्निंग तो आपका हो गया, फेसिंग का मतलब है ये कोई जॉब है, मान लीजिए गोल जॉब है, ठीक है। अभी जॉब की ऊपरी सतह को अपन को क्या करना है, एकदम चमकीला बनाना, तो ये क्या क्रिया कहलाएगी, फेसिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फेसिंग। तो थोड़ा सा जो है ना इस पर क्या करते हैं, ऊपरी ऊपरी सतह को अपन इससे टूल की सहायता से कटिंग कर देते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएगी, फेसिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फेसिंग क्रिया होगी। तो यहाँ पर देखिएगा फेसिंग हो गया, इसके अलावा जो है यहाँ पर अंडर कटिंग क्या होता है, मान लीजिए इसमें एक अंडर कट डालना है, अंडर गहरा कट डालना है, गहरा कट ही जॉब है, जॉब के अंदर यहाँ पर जो जॉब लगा रहता है, इस जॉब में कोई भी गहरा कट डाल देंगे, तो यहाँ पर टूल लगाया और यहाँ पर जो क्या करते हैं, अंडर कट लगा दिया। क्या करते, तो अंडर कटिंग क्या होता, अंडर कटिंग, कौन सा कटिंग, यहाँ पर बात करना, समझना बात को, तो अंडर कटिंग के लिए भी कार्य करता है अंडर कटिंग। तो ये इसका कार्य होता है, अंडर कटिंग को करना, क्या करना, अंडर कटिंग करना, ये कार्य है। इसके अलावा नेक्स्ट कार्य क्या होगा, तो ये चीज भी आपको देखना। तो अंडर कटिंग का मतलब क्या हुआ कि अंडर काट देना, मतलब ज्यादा काट। अब यहाँ पर कैसा भी होता है कि ये पूरा पार्ट से मुझे इतना सा भाग, ये इतना सा भाग काटना है, मान लीजिए इतना सा भाग काटना, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ। क्या बोलते हैं, तो पार्ट्स ऑफ का मतलब होता है पार्ट्स को अलग करना, पार्ट्स ऑफ बंद कर देना, मतलब बंद कर देना मतलब कट कर देना, तो पार्ट्स ऑफ करना मतलब पार्ट्स को कटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या करना है, मान लीजिए कोई जॉब है और उसमें छेद करना है या बोर करना है, क्या करना, बोर। तो बोर का मतलब होता है बोरिंग, तो बोरिंग करने का कार्य भी यही करता है, करती है। देखिएगा यहाँ पर बोरिंग भी इसकी सहायता से किया जा सकता है। इसके बाद आप कहते हो कि सर बोरिंग तो होगी, ठीक है, तो बोरिंग आपके यहाँ पर छेद कर ली। अब उसके बाद में मान लीजिए ऐसा करता है कि ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल मशीन भी आती है, लेकिन यहाँ पर इसका भी यूज करते हैं, तो यहाँ आपके समझिएगा तो ड्रिलिंग क्या था, ड्रिलिंग। इसके लिए बोरिंग के लिए बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं, ड्रिलिंग के लिए ड्रिल का जो है ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है रीमिंग, रीमिंग का मतलब होता है ड्रिल के छेद को फिनिशिंग देने के लिए जो है क्रिया की जाती है, उसको रीमिंग कहते हैं। फिनिशिंग देना है पर छेद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको रीमिंग कहते हैं। रीमिंग के बाद आता है यहाँ पर टेपिंग, क्या होता है टेपिंग, ड्रिल के द्वारा यहाँ पर छेद कर लिया, छेद के बाद उसको फिनिश दे दिया, फिनिश के बाद उसमें अंदरूनी चूड़ियां काटना है, आंतरिक चूड़ियां काटना है, तो वो क्रिया कहलाती है टेपिंग। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन इससे किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी टर्निंग में भी कई टर्निंग आता है आपका, फिर अलग अलग प्रकार का टर्निंग, जैसे टेपर टर्निंग है, प्लेन टर्निंग है, टर्निंग है, अलग अलग प्रकार की टर्निंग होती है। तो मोस्टली प्रमुख कार्य तो ये है, आपसे पूछा जाता है क्या कार्य है, सारे ऑप्शन दे दे, तो पहला कार्य दे वो टर्निंग। आपसे पूछा क्या कार्य है, तो चार ऑप्शन दे दे, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आपको ऑप्शन क्लिक करना है और उसी के आधार पर आपको आंसर क्लिक करना होता है। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इन्हीं के बारे में बात कर रहा था, चलिए यहाँ इससे क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, आप कर दोगे, तो ये चीज आप तो समझ लिए हैं। चलिए आगे अपन बात करते हैं इसी क्रम में, तो क्या आएगा अब, तो ये तो टेपर टर्निंग हो गया। यहाँ पर देखिएगा बात करते हैं अपने, यहाँ पर अब टर्निंग तक तो पहुंच गए, इसके यूज तक तो पहुंच गए, लेकिन इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में सबसे डायरेक्टली पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। तो लेथ मशीन के भाग कौन कौन से हैं, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, तो लेथ मशीन के भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि कौन कौन से भाग होंगे। तो सबसे पहला भाग यहाँ पर देखिए, मोस्टली प्रमुख भाग अगर पूछे जाए तो प्रमुख भाग तो इसमें देखिएगा आपका यहाँ पर कौन कौन से भाग होंगे, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं बेड, किसकी बात करते हैं बेड, बेड का मतलब होता है हिंदी में शस्त्र, क्या होता शस्त्र, शस्त्र को अपन यहाँ पर बेड कहते हैं, क्या कहते हैं बेड। और दूसरे नंबर का जो भाग होता है, एक होता हेड स्टॉक और एक होता टेल स्टॉक, क्या होता है हेड स्टॉक। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हेड स्टॉक, स्टॉक
है ना। तो यहाँ पर इसको हेड स्टॉक को यहाँ पर हेड स्टॉक ही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हेड स्टॉक ही कहते हैं, ठीक है ना। हेड का मतलब शीर्ष भी होता है वैसे, तो हेड स्टॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड स्टॉक। अच्छा, इसके बाद आता है एक टेल स्टॉक आता है, जो कि इधर रहा टेल स्टॉक, ठीक है, ये हेड स्टॉक रहा। देखिएगा ध्यान से देखना, आपको ये शस्त्र का मतलब होता है बेड, बेड ये वाला भाग है जिस पर सारे के सारे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और कैरेज लगे रहते हैं। तो ये सारा का सारा तो क्या है, बेड है, जिस पर मैंने लिखा भी है बेड। अच्छा बात सुना, ये बेड तो आपका दिख ही रहा है, इसके बाद में यहाँ पर हेड स्टॉक है, तो यहाँ क्या, टेल स्टॉक है, तो यहाँ हेड स्टॉक आगे आपके आता है टेल स्टॉक, क्या आएगा, टेल स्टॉक, ये टेल स्टॉक, टेल स्टॉक। अब टेल स्टॉक का मतलब क्या है, इसकी बनावट जो है ना यहाँ पर पूंछ के जैसी होती, किसके होती है, पूंछ के जैसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही आपके टेल स्टॉक है। अब यहाँ पर टेल का मतलब तो टेल ही होगा, पूंछ कह सकते हो, स्टॉक का मतलब स्टॉक। अब टेल स्टॉक तो आपके आ ही गया, तो अब आप सोचो टेल का मतलब पूंछ, पूंछ वाला जैसा भाग लगा हुआ, ये देखो यहाँ पर इस टाइप से भाग लगा हुआ, तो इसको बोलते हैं टेल स्टॉक। अब आपको और क्या कहोगे, तो और इसमें है कैरिज, क्या है कैरिज, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो ये और वाला भाग भी है जिसको बोलते हैं कैरिज। अब कैरिज क्या होता है, यहाँ पर ये देखना है आपको, तो इसी चीज को आपको देखना है, तो दोनों ही चीज आपको देख लेना है, क्लियर कर लेना, समझ लेना है मैं सारा का। तो प्रमुख भाग कौन कौन से थे, ये प्रमुख चार भाग है। ग्राफ से पूछा जाता है निम्न में से कौन से प्रमुख भाग है, तो चारों प्रमुख भाग है जो कि पूरी लेतिस से निर्मित होती है, बनी होती है। इसके अलावा कौन कौन से हैं? अब इसके अलावा तो इसमें देखिएगा यहाँ पर जो है सेडल भी लगा होता है, यहाँ पर जो है ना एप्रन लगा होता है, तो इसी में ही भाग रहते हैं। एक तो सेडल क्या होता है, सेडल है ना, तो यहाँ पर एक तो होता है सेडल और एक होता है यहाँ पर एप्रन, सेडल, ठीक है सेडल। दूसरा होता है यहाँ पर एप्रन, और एप्रिन की बात करते हैं तो ये एप्रिन भी होता है, सेडल भी होता है, ये यहाँ इसी में कैरिज में ही लगे हुए भाग रहते हैं। इसमें टेलीस्टॉक में लगा हुआ डेड सेंटर रहता, क्या था, डेड सेंटर लगा रहता, और डेड सेंटर की बात करते थे, ये डेड सेंटर लगा रहता। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो ये पूरा जो लगा रहता है यहाँ पर टूल पोस्ट लगा रहता, टूल पोस्ट के यहाँ पर ही लगा रहता, कंपाउंड रेस्ट क्या लगा रहता, कंपाउंड रेस्ट, तो कंपाउंड रेस्ट लगा रहता है, और ऊपर लगा रहता है टूल पोस्ट, क्या लगा रहता है, टूल, टूल पोस्ट, टूल पोस्ट की अगर बात करते हैं तो टूल पोस्ट लगा रहता। ये सारी की सारी चीजें जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, और लास्ट में आता है क्रॉस स्लाइड, क्या आता है इधर, क्रॉस स्लाइड। और क्रॉस स्लाइड की बात करते हैं तो क्रॉस स्लाइड भी आपके इसमें लगा रहता है, ठीक है, जो कि स्लाइडिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद आपके सामने आ जाता है कि सर और कौन सा आएगा, तो और तो आप देख सकते हो, क्रॉस स्लाइड के बाद में चक आ रहा, क्या रहा, इधर देखते हैं 11वें नंबर पर, तो चक, क्या चक, चक, चक को खोलने और कसने के लिए चक्के का प्रयोग करते हैं, यहाँ फोरजा चक है, त्रिजा चक है ना, और इसके अलावा जो है आपके मैग्नेट चक और कोलेट चक होते हैं, चार प्रकार के चक होते हैं जिनका जिक्र करेंगे, तो ये चक होता है, क्या होता है, चक, चक को खोलने के लिए चक्के का प्रयोग किया जाता है। ये डिस्टे हो गया, ये गियर बॉक्स होता है, क्या होता है, गियर बॉक्स भी होता है, इसमें क्या होता है, गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स भी इसमें ही पाया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, गियर बॉक्स तो यहाँ पर ये गियर बॉक्स होता है जिसमें गियर लगे रहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो और कौन सा भाग है, तो यहाँ ये लेग है जिस पर यहाँ पर इसको स्थिरता प्रदान करती है, तो ये टांगे है जिसको लेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेग। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये लेग वाला भाग है, ये दोनों के दोनों इसमें क्या है, लेग, जो कि बेड पर इसको, बेड इसके ऊपर लगा होता है, तो ये वाला लेग भाग है। ये चक हो गया, लेग हो गया, कैरिज हो गया, बॉक्स गियर हो गया, यहाँ पर ये लीड स्क्रू होता है जो कि इस पर चूड़िया कटी होती है, क्या कटी रहती है, चूड़िया। तो यहाँ पर देखिएगा तो लीड स्क्रू क्या होता है, लीड स्क्रू, जिस पर कौन सी चूड़िया कटी होती है, बोलो है ना, एक मी है ना, लीड स्क्रू। तो यहाँ पर लीड स्क्रू हो गया, ये लेथ मशीन का लीड स्क्रू वाला भाग हो गया। अब कैरिज हो गया, सेडल हो गया, डेड सेंटर हो गया, लीड स्क्रू हो गया, कंपाउंड रेस्ट हो गया, यहाँ पर फीड देने के लिए एक शाफ्ट आती है, तो फीड शाफ्ट होती, क्या होती है, फीड शाफ्ट। तो ये लगभग इसमें इतने सारे भाग होते हैं, तो ये आता है फीड शाफ्ट, फीड का मतलब दबाव और शाफ्ट का मतलब शाफ्ट, तो फीड शाफ्ट आता है जिसकी सहायता से यहाँ पर क्या दबा देते हैं। तो ये आपके ध्यान रखना, ये ऊपर वाला भाग लीड स्क्रू, क्या है, लीड स्क्रू, ठीक है, और ये फीड शाफ्ट, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपके सारे के सारे भाग होते हैं, तो कौन सा भाग आपके लेथ मशीन का होता है और वो किस तरह से क्या क्या वर्क करता है, इन सब को अपन एक एक करके पढ़ेंगे सारा विस्तार से। तो आपको डिटेल में अगर कोई भी पूछ ले कि कौन सा भाग इसमें नहीं है तो आपको बता देना, कौन सा है तो आपको बता देना, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी।
तो ये सारा का सारा भागों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ सारे आपके समझ में आ ही रहे हैं, उम्मीद है ये सारे समझ में आ रहे हैं। तो उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करा करो, और आपको मैं सारे की सारी विस्तार से एक एक चीज़ों का बता भी रहा हूँ। सर जो है पूरे क्लास फिटर थ्योरी के या फिर टर्नर के मशीनिस्ट के हमें जो है वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो आपको जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस का ऐप जो दिया गया है उसकी सहायता से आप डाउनलोड करके सारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें कुछ पेमेंट मोड का तो उन शर्तों को पालन करते हुए आप वीडियो को देख सकते हो, और भी जल्दी चाहिए तो पेन ड्राइव की सहायता भी ले सकते हो। तो ये सारे वीडियो आपको बैक टू बैक उसमें सारे सिक्वेंस वाइज क्रम से मिल जाएंगे। आप कोटा ऑनलाइन के लिए आ सकते हो तो आ जाइए कोटा राजस्थान में, अगर नहीं आ सकते तो आप घर बैठे भी जो है तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वो आपको सारी समझ में आ रही होगी, तो बहुत बढ़िया। चलिए इसी क्रम में देखेंगे आगे। चलिए अब अपन बात करना चाहते हैं, आप इसी क्रम में देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पढ़ते हैं सबसे पहले बेड, पार्ट्स में अपन पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, लेथ मशीन के भागों में सबसे पहले पढ़ेंगे बेड। अब बेड किसे कहते हैं, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि बेड किसे बने हैं, तो बेड किसे कहते हैं, शस्त्र, शस्त्र जो लेग पर टका होता है, तो ये किस पर स्थापित होता है। आपसे पूछा कि यहाँ बेड किस पर स्थापित होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर स्थापित होता है, तो स्थापित का लिखना है आपको लेग, क्या लिखोगे, लेग। लेग का मतलब इसके लिए टांग लगाई जाती है, तो टांगों पर ये स्थापित होता है, किस पर, लेग्स पर स्थापित होता है, तो आपको ये आंसर हो गया। तो आपसे पूछा जाता था बेड किस पर स्थापित होता है, तो लेग पर, किस पर, लेग पर। स्थापना तो आपने समझ ही ली है। इसी क्रम से अगर आपसे और पूछे कि बेड के बाद जो आता है वो बेड को शस्त्र बोलती है, लेकिन बेड किसका बना होता है, अगर मेटल का अगर पूछे कोई भी, तो आपको बता देना है कास्ट आयरन का, किसका, कास्ट आयरन का। अब आपसे पूछा जाता है कि बड़ी बड़ी मशीनों के जो है बेड किसके बने होते हैं, तो ढलवा, ढलवा लोहे के, तो ढलवा लोहे के, ठीक है, ढलवा लोहे के। अब बात समझे क्या, यहाँ ढलवा लोहे के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं, चाहे कोई सी बड़ी बड़ी मशीन हो। तो जरूरी एग्जाम आया अभी अपने यहाँ पर रेलवे में, यूँ पूछा था कि बड़ी बड़ी मशीनों के बेड किस में बने होते हैं, लोकोपाइड में पूछा गया, तो आपको बताना था कास्ट आयरन, बता दोगे ना। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था 2019 में एएलपी में, ठीक है, एएलपी में क्वेश्चन पूछा था, आपको ढलवा लोहा क्लिक करना था, है ना। वैसे तो ढलवा लोहा भंगुर होता है, लेकिन आपके यहाँ पर इसमें मिश्रण मिलाया जाता है, तो इस तरह से तैयार किया जाता है, तो मजबूत भी होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि बेड पर कौन कौन से भाग स्थापित होते हैं, तो बेड पर जो भाग स्थापित होते हैं, जो भाग स्थापित होते हैं उन सब में बात करते हैं, तो एक तो होता है हेड स्टॉक, क्या होता है, हेड स्टॉक, हेड स्टॉक, और एक होता है टेल स्टॉक, कौन सा होता है, ये हेड स्टॉक थे, ये टेल स्टॉक था, और एक और था टेल स्टॉक, और इसके बाद में क्या आता है, एक और यहाँ जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो वो आता है यहाँ हेड स्टॉक होगा, टेल स्टॉक होगा, केरिज, ये तीनों भाग जो है इस तरफ इस पर, किस पर, बेड पर स्थापित होते हैं। अब तीनों भाग जब बेड पर स्थापित होते हैं तो आप समझ सकते हो तो उपरोक्त सभी, इस टाइप से बेड से क्वेश्चंस बनता है, आपको ध्यान रखना है। और बेड जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेड तो आपके दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला नंबर का आता है आपका फ्लैट, क्या आता है, फ्लैट। दूसरा नंबर का आता है वी बेड, तो यहाँ पर वी बेड, तो यहाँ पर देखना फ्लैट और वी आकार में, एक तो वी आकार में होता है, एक चपटापन होता है बिल्कुल ऐसा, तो आपको ध्यान रखना, तो चपटा तो फ्लैट में रहेगा, वी आकार में जो उसमें ग्रू कटा रहता है, इसी में चपटेपन में यहाँ पर बीच में खांचा कटा रहता है, तो वो आपका ग्रू होता है लास्ट तक, तो इस तरह से बेड आपका बना होता है। तो आपसे पूछा जाता है बेड कितने प्रकार के, तो वी और फ्लैट में दो प्रकार में पाए जाते हैं। इसी क्रम में से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब बेड के बाद क्या आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हेड स्टॉक आता है, क्या आता, बेड के बार बारी आती है, तो किसकी आती है, हेड स्टॉक। अब हेड स्टॉक किसे कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हेड स्टॉक बेड के बाद आता है, तो हेड स्टॉक आता है, क्या आता है, नंबर दो पे हेड स्टॉक। मैं सबके बारे में ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हेड स्टॉक। अब हेड स्टॉक किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर है ना हेड स्टॉक, और हेड स्टॉक की भी बात करेंगे अपन यहाँ पर पूरा विस्तार से, ठीक है। चलिए हेड स्टॉक कौन सा वाला भाग है, ये वाला भाग है, देखिएगा यहाँ पर किस साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, किस में है, लेफ्ट में। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां साइड। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि हेड स्टॉक लेथ मशीन के कौन सी साइड में होता है, तो बाई साइड में। कौन सा भाग है, मूल भाग, प्रमुख भाग, जिसे हेड स्टॉक कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि हेड स्टॉक क्या है लेथ मशीन का, तो प्रमुख भाग है। कौन सा भाग है, भाग तो है लेकिन क्या है, प्रमुख, मतलब इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है, इसलिए
मैन पार्ट्स है। क्या है? मैन मुख्य पार्ट्स है, ठीक है। तो मुख्य पार्ट्स है, अब आपसे कह दिया जाता है मुख्य पार्ट तो है लेकिन ये किस तरफ लगा होता है, तो लगा कहाँ पर होता है? लेथ में। लेथ में जो लगा होता है वो कहाँ पर? लेफ्ट मतलब बाई ओर। कौन सी ओर? बाई ओर। अब बाई ओर जब लगा रहता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो ये प्रकार कितने होते हैं? तो दो प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि हेड स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में सबसे पहला आता है यहाँ पर कोन पुली, और दूसरे नंबर का आता है गियर हेड स्ट्रोक। तो कोन पुली किसे कहेंगे? यहाँ पर ध्यान रखना कि कोन पुली हेड स्ट्रोक है ना, देखिएगा कोन पुली हेड स्ट्रोक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा है ना, कोन पुली हेड स्ट्रोक। और दूसरा आता है यहाँ पर है ना, कोन पुली हेड स्ट्रोक, और दूसरा आता है यहाँ हेड स्ट्रोक। इसके बाद दूसरे नंबर का आता है तो गियर हेड स्ट्रोक। क्या आता है? गियर। और गियर को अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कोन पुली, फिर दूसरे नंबर पर आएगा गियर हेड स्ट्रोक। ये किसमें? अपन यहाँ हेड स्ट्रोक के प्रकार की बात कर रहे हैं। कोन पुली में मतलब इसमें एक पुली बनी होती है जिसकी सहायता से, पुली कैसी बनी होती है इसको भी अपन जिक्र कर लेते हैं, तो आप समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा पुली कैसे बनी होगी। तो इसमें इस टाइप की एक पुली बनी होती है, इस टाइप की एक पुली बनी होती है, इस टाइप की एक पुली बनी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस टाइप की एक पुली बनी होती है, ध्यान रखिएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना इस तरह से। तो आप इसमें जो पुली, जो पुली में जो खांचे कटे रहते हैं वे वी शेप के कटे होते हैं, इस टाइप के और इस टाइप के और इस टाइप के, ये वी। तो वी जो है इसमें जो है बेल्ट लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? बेल्ट लगाई जाती है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो पुली है वो लगाई जाती है, और पुली में खांचे कट रहते हैं वो भी किसके? वी आकार के। तो कौन सी बेल्ट लगाएंगे इसमें? तो वी आकार की बेल्ट की सहायता से इसमें अलग अलग स्टेप प्राप्त की जाती है। तो स्टेप मतलब जो है अलग अलग प्राप्त की जाती है। जब स्पीड अलग, स्टेप अलग प्राप्त करेंगे तो गति भी अलग अलग प्राप्त होते हैं, मतलब गति परिवर्तन, परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु किया जा सकता है, सकता है परंतु किसकी सहायता से? ध्यान रखना है यहाँ पर स्टेप की सहायता से। किसकी सहायता से? स्टेप की सहायता से। तो यहाँ स्टेप में बदल करके अलग अलग स्टेप प्राप्त करके स्पीड के जो है बदला जा सकता है, घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ये सारा का सारा है आपके यहाँ पर इसमें किया जा सकता है। कोन पुली का जिक्र कर रहा हूँ। किसका? कोन पुली का। अब आपसे कहा जाता है कि कोन पुली जो है क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें बात बन रहे हैं, तो ये दो प्रकार का जिक्र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ना? कोन पुली हेड स्ट्रोक का जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो है किसका बना होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पहला आपका मेटल अगर पूछे इसमें ही, तो आपको बताना है कास्ट आयरन। किसका है? कास्ट आयरन का ही बना होता है। तो मतलब ये भी ढलवा लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। आपसे पूछे कि ये किसका बना होता, तो आपको बताना है ढलवा लोहे का। किसका बना होता है? ढलवा लोहे का। तो ढलवा लोहे का ही बना होता है। आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है ढलवा लोहे का, मतलब कास्ट आयरन का बना होता है। अब ये कैसा होता है? एक खोखला बॉक्स होता है। क्या होता है? खोखला, खोखला बॉक्स होता है, खोखला बॉक्स होता है। अब खोखला जो बॉक्स होता है वो ढलवे लोहे का बना होता है, खोखला बॉक्स जो है आपके यहाँ पर बना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है ये कास्ट आयरन का बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। उम्मीद है ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से अपने एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं और पढ़ते हैं अपने हेड स्ट्रोक में। देखिए इसी में ही जो आपके एक और चीज लगी रहती है, जो बात करते हैं तो अपन यहाँ पर इसका जिक्र करते हैं। तो खोखला बॉक्स तो है यहाँ पर स्टेप के रूप में है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ स्पिंडल की बात करते हैं, स्पिंडल। और स्पिंडल पर बात करते हैं तो स्पिंडल का अगर जिक्र किया जाए तो स्पिंडल पर देखिएगा यहाँ बियरिंग लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? बियरिंग। और बियरिंग का आपसे पूछे तो कितने लगे रहते हैं? तो दो बियरिंग लगे रहते हैं। अब बियरिंग तो लगे रहते हैं ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बियरिंग का तो क्लियर हो गया, लेकिन स्पिंडल पर ही यहाँ पर दो जो है गियर भी लगे रहते हैं। गियर में एक तो होता है यहाँ पर जो है बैक गियर। क्या होता है? बैक गियर है ना, बैक गियर। और बैक गियर की बात करते हैं तो यहाँ पर बैक गियर वो लगा रहता है ना, बियर बैक गियर। और बैक गियर की बात करते हैं तो बैक गियर लगा रहता है। और दूसरा एक होता है बुल गियर। क्या होता है? बुल गियर। अब बुल गियर यहाँ पर बात करते हैं तो दो प्रकार के गियर है, जो एक तो आगे ले जाने का कार्य करता है, पीछे। बैक का मतलब होता है पीछे, पीछे ले जाने का कार्य करेगा, अर्थात बैक स्पीड लेने के लिए और आगे की स्पीड के लिए। इस टाइप से गियर सिस्टम लगा रहता है और इस पर अनेक प्रकार की जो है वी बेल्ट चढ़ा करके विभिन्न प्रकार की पुलियां यहाँ पर, ये वी बेल्ट चढ़ा करके स्टेप प्राप्त कर जाती है। इसकी उपयोगिता वर्तमान
समय में है किसकी, इस टाइप की, किस टाइप की यहाँ पर भाग कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेप, यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ कौन पुली हेड स्टॉक की उपयोगिता वर्तमान समय में कम हो गई है, अतः इसका उपयोग कम किया जाता है, क्योंकि स्पीड में बदल, इसको स्पीड, इसके द्वारा स्पीड तो बदली जा सकती लेकिन आसानी से नहीं बदली जा सकती और ज्यादा नहीं बदली जा सकती। अपेक्षाकृत किसके, अपेक्षाकृत किसके, यहाँ पर एक और होता है गियर हेड स्टॉक, कौन सा, गियर हेड स्टॉक। तो अपन बात करते हैं, पढ़ेंगे यहाँ पर गियर हेड स्टॉक। तो नंबर दो देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं हेड स्टॉक में है, अपन दूसरे नंबर पर बात कर रहे हैं, तो गियर हेड स्टॉक, गियर हेड स्टॉक की बात करते हैं, तो गियर हेड स्टॉक कौन सा होगा इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो गियर हेड स्टॉक का जिक्र करेंगे, ध्यान देना। तो देखिए गियर हेड स्टॉक क्या होता, गियर हेड स्टॉक भी देखिएगा कास्ट आयरन का बना होता है, मेटल की अगर बात हो रहे तो ये भी जो है किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, किसका, ढलवा लोहे का। तो ढलवा लोहे का ये बना होता है, परंतु इसमें एक विशिष्ट बात बताऊं तो आपको क्या होता है, ये भी खोखला बॉक्स होता है, क्या होता है, खोखला बॉक्स होता है, खोखला बॉक्स तो होता है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट बात ये है कि इसकी जो उपयोगिता है अपन यहाँ पर ध्यान देखेंगे, तो इस पर देखिएगा यहाँ जो है विभिन्न गियर लगे रहते हैं, विभिन्न गियर लगे रहते हैं, तो विभिन्न जो है आपके यहाँ पर जो है गियर लगे रहते हैं, तो गियर जो लगे रहते हैं वो अनेक लगे रहते हैं, और अनेक गियर के कारण जो है ये अनेक स्पीड प्राप्त करते हैं, तो गति जो है, गति आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों, कारण देखिएगा यहाँ जब मोटर चलती है तो मोटर की सहायता से, किसकी सहायता से, यहाँ मोटर की सहायता से जब अपन गति प्राप्त करते हैं तो विभिन्न प्रकार की गति प्राप्त कर ले सकते हैं, और वही वी बेल्ट की सहायता से, वी बेल्ट जुड़ी रहती है मोटर की सहायता से, तो वी बेल्ट की सहायता से यहाँ पर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की गति इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से ये सारा का सारा जो है आपका क्या होता है, गियर हेड स्टॉक होता है, जिस जो वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। देखिए हेड स्टॉक के जो है यहाँ पर लाभ भी है, क्या है, किसके लाभ, और किसके लाभ बात करते हैं, गियर हेड स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, तो गियर हेड स्टॉक के यहाँ पर क्या है, लाभ भी है। लाभ में अगर बात करते हैं तो अनेक स्पीड पकड़, लीवर भी अनेक लगे रहते हैं, लीवर, लीवर की सहायता से जो है अनेक स्पीडें बदली जा सकती है, तो लीवर अनेक होने के कारण स्पीडें भी अनेक ली जा सकती है, तो गति परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, गति परिवर्तन आसान होता है, क्या होता है, आसान होता है। दूसरी बात, अनेक लीवर लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, गति परिवर्तन आसान होता है, अनेक लीवर लगे रहते हैं, और आसानी से गहरा कट, आसानी से गहरा व मोटा कट, व मोटा कट लगाया जा सकता है, मोटा कट लगाया जा सकता है, तो यहां पर कट लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। इस तरह से जो है आपके यहाँ पर क्लियर हो रहा है, तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन बन रही थी, अनेक लेवर होते हैं, मोटा कट लगाया जा सकता, ये सारे के सारे स्टेप आपके यहाँ पर इस पे प्राप्त हो जाती है, जिनका अपन यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे किसके थे, हेड स्टॉक के अपन बात करते हैं, गियर हेड स्टॉक के लाभ थे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यहाँ कैरिज वाला भाग, और हेड स्टॉक अपने ये वाला पूरा पूरा भाग बड़ा, इसमें अनेक लीवर लगे हुए हैं, और लीवर जो है अपन आगे पीछे करके इनकी गति को समायोजित कर सकते हैं, गति का क्या कर सकते हैं, गति समायोजन, समायोजन जो है गति को आसानी से कर सकते हैं, किसको, गति समायोजन आसानी से हो सकता है लीवर्स की सहायता से, और अनेक गियर इसमें लगे रहते हैं, इतना ये सारा का सारा जो कहलाता है हेड स्टॉक वाला भाग कहलाता है, जो कि लेफ्ट ओर लगा रहता है, और ये होता है टेल स्टॉक, जिसको अपन क्लियर करेंगे आगे। अब बात करते हैं टेल स्टॉक की, तो टेल स्टॉक क्या होता है इसके बारे में बात कीजिए। देखिए जैसे अपने हेड स्टॉक पढ़ा है, जैसे अपन पढ़ेंगे टेल स्टॉक, किसकी बात करते हैं, टेल स्टॉक। अब टेलीस्टॉक किसे कहते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, तो टेलीस्टॉक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए क्या होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि हेड स्टॉक किस ओर, लेट पे किस ओर पर लगा रहता है, तो आप बताओगे बाई ओर, मतलब यहाँ पर लेफ्ट ओर। तो आपसे पूछा जाए टेलीस्टॉक कहाँ पर पिट रहता, तो आपको बताना है यहाँ पर राइट ओर, किस सीधा में, लेथ मशीन पे किस डायरेक्शन में लगा रहता, राइट, मतलब यहाँ पर दायां ओर लगा रहा था, तो दायीं डायरेक्शन की कंडीशन होती है, इसका मतलब होता है दक्षिणावर्त, क्या होता है, दक्षिणावर्त में, तो यहाँ दक्षिणावर्त का मतलब है दक्षिण दिशा में, वर्त का मतलब यहाँ दक्षिणावर्त, तो आपको दायां देना कि कोने कौन से कॉर्नर पे फिट रहता है, तो दायां कॉर्नर पे यहाँ पर देखेगा, और राइट दिशा में यही पर फिट रहता है। ये पूरा भाग जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं टेलीस्टॉक, इस पूरे भाग को बोलते हैं टेलीस्टॉक, ये यहाँ तक का यहाँ सारा टेलीस्टॉक कहलाता। अब आपसे कहूँ टेलीस्टॉक
क्या होता है, एक्चुअल में इसका क्या कार्य है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इन सबका मैं जिक्र करूंगा एक एक चीज का। लेकिन आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आपसे इसमें यूज बताऊंगा और उसके आधार पर इसका जो कार्य है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ एक ये होता है कि इसके जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो भाग में पहला भाग आपको लीवर दिख रहा है। लीवर को अपन यहां पर हैंड व्हील भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हैंड व्हील। तो हैंड व्हील मतलब यहाँ इस पहिए की सहायता से जो है घुमाया जाता है, आगे पीछे खिसकाया जाता है, ये आपके हैंड व्हील का कार्य करता है। तो ये हैंड व्हील होता है जो आप यहाँ से पकड़ा और घुमाया, यहाँ से पकड़ा और घुमाया तो बराबर ये स्लाइड करेगा आगे पीछे, तो यहाँ ये सपोर्ट कर देगा और यहाँ ये जो आपको सेंटर में बांध देगा। तो इसका एक हैंड व्हील होता है, एक इसमें घूमने वाला भाग कौन सा रहता है? स्पिंडल भी रहता है। क्या रहता है? स्पिंडल। तो देखिएगा, स्पिंडल होना जरूरी है तब जाकर के ये कार्य करेगा। अब इसमें क्लैंप के लिए यहाँ पर नट और बोल्ट भी लगे रहते हैं, क्लैंप नट बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ यूं कहेंगे उसको क्लैंप नट बोल्ट, ठीक है, क्लैंप नट बोल्ट लगे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में अगला जो पार्ट्स आता है, इसमें यहाँ पर क्या फिट रहता है? तो स्क्रू रोड होती है। क्या होती है? स्क्रू की बनी हुई रोड रहती है, तो स्क्रू रोड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्क्रू रोड। अब आप कहते हो कि स्क्रू रोड के अलावा क्या होगा सर? तो यहाँ पर क्लियर करना है आपको एक एक चीज, जो जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा लीवर या हैंड टूल, हैंड व्हील हो गया, ये सारे के सारे इसके क्या रहते हैं? भाग रहते हैं। तो इस तरह से एक और होता है यहाँ पर डेड सेंटर। क्या क्या लग रहा था इसमें? डेड सेंटर। तो इस तरह से सारे के सारे इसके क्या होते हैं? भाग होते हैं, जो कि आप पूरे पूरे यहाँ पर टेलीस्कोप का जिक्र कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप तो आपने देखा, तो निम्न में से कौन सा टेलीस्कोप का भाग है? तो आप बता देना उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। किस और फिट रहता टेलीस्कोप, ये भी आपको दिखी गया है। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ सारे के सारे भागों के। आप ये भी कहोगे कि सर इनका जो है अलग से ही एक भाग बना करके पूरा विस्तार से बता दो, तो इसका मैं पर्टिकुलर वीडियो भी डालूंगा चैप्टर वाइज। जैसे टेलीस्कोप एक चैप्टर में रहेगा लेथ मशीन का, तो वो आधे घंटे तक एक घंटे तक टेलीस्कोप ही चलेगा। तो आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इनका। मैं अभी तो बेस्ट कंसेप्ट पूरे सारी का बता रहा हूँ एक एक का, लेकिन जब एक एक पर्टिकुलर ही लूंगा तो उसमें आधा एक घंटे का पर्टिकुलर एक चैप्टर पे ही जिक्र चलेगा जिस पर आप बता रहा हूँ। मैं यहाँ लिख लिख करके क्लियर कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपसे यहाँ पर, लेफ्ट मशीन के राइट दिशा में कौन सा भाग फिट रहता है तो आपको बताना। टेलीस्कोप या टेलीस्कोप कहाँ पर फिट रहता है? लेफ्ट में, राइट में, मध्य में या अप्रोक में से कोई भी, तो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए राइट में, कौन से राइट में, इस टाइप से। अब आपसे पूछा जाता है इसका यूज क्या है, टेलीस्कोप का यूज। सबसे पहले आपको पूछा जाए तो पहला आपको पूछे कि इसका यूज क्या है, तो जॉब, जॉब के केंद्र के मध्य बांधने के लिए। जॉब जो होता ना अपना, तो यहां लिखेंगे अपन जॉब को, जॉब को केंद्र के, केंद्र के मध्य मध्य बांधने हेतु, बांधने मतलब क्लैंप होता है एक तरह से, है तो जॉब को यहां पर देखिएगा पहला यूज जॉब के केंद्र के मध्य, जॉब को केंद्र के मध्य मतलब इसके और इसके दोनों के मध्य यहां ये जो जॉब रहेगा, ये कोई भी यहां अपन जॉब ले लेते हैं कोई भी, तो ये जॉब जो है केंद्र के मध्य जो बांधने का कार्य करेगा, तो ये कौन करेगा? यहाँ पर इसमें फिट रहेगा। तो जॉब को केंद्र के मध्य बांधने का जो कार्य करेगा तो यहाँ कौन करेगा? यहाँ ये आपका टेलीस्कोप करेगा। अब दूसरा क्या है? जॉब को केंद्र के मध्य टर्न कराने के, टर्न कराने हेतु आधार प्रदान करना। जॉब को, जॉब को केंद्र के मध्य, केंद्र के मध्य टर्न कराने हेतु, टर्न का मतलब था टर्निंग, चूड़ियां काटना, टर्न कराने हेतु हेतु आधार प्रदान करना। आधार का मतलब था बेस, आधार प्रदान करना, प्रदान ये कार्य होता है। तो आधार प्रदान करना ये वाला कार्य इसका होता है। अच्छा यहाँ पर आपने देख लिया, अब आपको देखोगे तो तीसरे नंबर पे क्या यूज आएगा? तो एक एक चीज, लंबे जॉब को आधार प्रदान करना। कोई भी लंबा जॉब है यहां से आ तक, तो उसको, तो लंबे जॉब को आधार में भी ये सहयोग देता है। लंबे जॉब को, जॉब को आधार प्रदान करना, आधार प्रदान करना। अब लंबे जॉब को आधार प्रदान करने का जो कार्य होता है वो भी इसी का ही रहेगा। आगे देखो, लंबे जॉब को जब आधार प्रदान कर दिया, तो यहाँ पर एक एक चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। ये था हेड स्टॉक और वो आप देख रहे हो टेलीस्टॉक जिनका जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब टेपर सेंक वाले ड्रिल हो या रिमर हो, सुनना बात को, यू लिखेंगे टेपर सेंक
वाले ड्रिल या रीमर, ध्यान दीजिएगा, टेपर सैंक वाले ड्रिल या रीमर तथा ड्रिल चक तथा ड्रिल चक, ड्रिल तथा ड्रिल चक और जॉब जैसे टूल्स। देखिए बात कर ड्रिल चक जैसे जैसे अगर बात करते हैं तो अपन ड्रिल चक की बात करते हैं, टूल्स, टूल्स का मतलब तो औजार, क्या होता जैसे टूल्स लगाने के लिए, तो ये सारा का सारा जाता है या फिर टूल्स लगाने या फिर बांधने के लिए इसका यूज करते हैं, टूल्स लगाने या बांधने के, लगाने हैं तो। अब आपको मैं समझाऊंगा इनको अलग अलग करके भी, तो एक एक चीज को आपको क्लियर समझना है पहले। तो ये सारी जो चीजें देख रहे हो इसमें मैं एक एक चीजों को क्लियर बता रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट कर, ऑफसेट करते हुए देखिएगा, टेल स्टॉक की बॉडी को, टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट करते हुए, ऑफसेट मतलब कट, ऑफसेट करते हुए टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट करते हुए बाएं टेपर को खराबने हेतु, करते हुए बाएं टेपर को खरादने हेतु, ठीक है ये सारे। अब यहां एक एक चीज को आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। अब यहां एक और होता है जिसे हैंड व्हील जो होता है, इसकी सहायता से इसको आगे पीछे भी गति कराते हैं, तो हैंड व्हील के द्वारा इसको आगे पीछे भी गति कराते हैं, तो लिखो हैंड व्हील के द्वारा, जिसे लीवर भी कह सकते हैं, हैंड व्हील के द्वारा, के द्वारा आगे पीछे, पीछे गति कराने हेतु, गति कराने हेतु, हैंड व्हील के द्वारा आगे पीछे गति कराने हेतु। और इसमें एक बैरल वाला भाग भी होता है, नोट में समझना बात को, कौन सा वाला भाग, बैरल, जिसकी बात करता हूं तो बैरल जो होता है, बैरल वाला भाग, इस बैरल पर आपसे पूछा एक बार क्वेश्चंस की जगह, टेलीस्टॉक पर बैरल जो होता है उस पर कौन सा टेपर कटा होता है, बैरल वाले भाग पर एक टेपर कटा होता है जिस टेपर का नाम होता है मॉस टेपर, कौन सा टेपर, तो यहाँ पर मॉस टेपर। कहीं कुछ एग्जाम में आपका है तो ड्रिल बिट का भी अधिकतर मॉस टेपर होता है, रिमर टेप में टाइप में जिनमें भी होता है ज्यादातर मॉस टेपर मिलाया जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहां पर पहला आपको जॉब को केंद्र के मध्य बांधना है, ये जॉब है इसके केंद्र के मध्य बांधने के लिए, क्लेम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या टेलीस्टॉक का, जॉब के केंद्र के मध्य टर्न करना नहीं तो आधार पर, तो टर्निंग के लिए आधार प्रदान करना तो कौन कार्य करेगा, यही तो करेगा जो सपोर्ट देता है इसको, आधार देता है, तो यहां पर ना लंबे जॉब को आधार प्रदान करना, ये लंबा जॉब नहीं है तो यहां इसको आधार प्रदान नहीं होगा, तो लंबे जॉब को सपोर्ट दे दिया तब जाकर के यहां पर कार्य करेगा, क्योंकि एक तरफ तो जो है चक्कर है, दूसरी तरफ यहां पर टेलीस्टॉक है, तो आप देख सकते हो। तो देखिएगा यहां पर इसके बाद जो है लंबे जॉब को आधार कर दिया, टेपर सैंक वाले ड्रिल या रीमर तथा ड्रिल चक जैसे टूल, टूल लगाने हैं, तो इन सब के जैसे जो टूल लगाने के लिए भी यहां टूल लगा देते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा टेलीस्टॉक की, टेलीस्टॉक की बॉडी को ऑफसेट करते हुए बाह्य टेपर खरादने हैं, तो टेपर खरादने का मतलब टेपर टर्निंग करने हैं, तो बाहरी टेपर टर्निंग करने हैं, तो इसका यूज करते हैं, तो हैंड व्हील के द्वारा आगे पीछे गति कराते हैं, तो इसमें कौन सा भाग है जिसके द्वारा अपन लीवर के द्वारा आगे पीछे, हैंड व्हील के द्वारा आगे पीछे गति कराते हैं, बैल पर कौन सी चूड़ियां, यहां पर होता है टेपर बना होता, तो मोस्ट टेपर बना होता, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसी आधार पर इनको एक एक चीज क्लियर कर लिया करो, ये चीजें आपको दिख रही होगी क्लियर। देखिए कैरिज अपन पढ़ेंगे इसके बाद में, देखिएगा तो कैरिज वाला भाग ये है आपका, देख सब देख पा रहे हो, तो ये पूरा भाग जो है कैरिज कहलाता, तो इसको अपन बात करते हैं, तो आज देखेंगे कैरिज क्या लिखेंगे, कैरिज, तो कैरिज किसे कहते हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तो कैरिज के बारे में बात करते हैं, तो कैरिज क्या है, तो देखिएगा कैरिज, अब कैरिज होता क्या है, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है कि कैरिज किसे कहते हैं, तो देखिएगा ये कैरिज जो है लेथ का मेन पार्ट्स, तो आपसे पूछा जाता है कि लेथ का मुख्य भाग किसे कहते हैं, तो मेन पार्ट्स कौन सा है, तो मेन पार्ट्स जो है वो कैरिज है, तो यहाँ पर मुख्य भाग, मुख्य भाग का मतलब है कि ये लेथ का प्रमुख भाग है, मेन पार्ट्स जिसे कैरिज कहा जाता है, तो ये कैरिज वाला बात समझ गए होगा आप, तो ये कैरिज जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हो कि इसी में अपन बात कर रहे थे लेथ का मुख्य भाग। अब लेथ के मुख्य भाग तो है, तो इस पर क्या कंडीशन होती है, तो फीडिंग कंट्रोल और करने वाले भाग सारे के सारे, इसका क्या यूज है, तो जितनी भी फीड होते हैं ना, फीडिंग यूं समझेगा, फीडिंग कंट्रोल वाले भाग सारे इस पर फिट होते हैं, फीडिंग कंट्रोल वाले भाग, कंट्रोल वाले जो भाग है वो सारे के सारे इस पर फिट
रहते हैं। तो फीडिंग कंट्रोल वाले भाग जो है सारे इस पर फिट रहते हैं, जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिएगा ये सारी की सारी चीजें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका कार्य है फीडिंग कंट्रोल वाले भागों का इस पर फिट रहते हैं। अब आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये क्या होता, तो इधर होता है टेल स्टॉक और इधर होता है हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक से आप ध्यान देना, हेड स्टॉक यहाँ पर क्या है कैरिज, कैरिज ध्यान दीजिएगा, और यहाँ है टेल स्टॉक, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में क्या है फिट रहता है, तो मध्य में फिट रहता है। तो ये बीच में जो फिट रहता है तो इसको बोलेंगे ये मध्य वाला भाग है। कौन सा है ये, कौन सा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो राइट वाला है। और आपसे पूछा जाता है कि राइट भाग में कौन है, तो लेफ्ट भाग में कौन है, तो मध्य में कौन है, तो यहाँ पर सेंटर में कौन है, यहाँ पर कैरिज है। तो ध्यान रखा, अब ये आपसे पूछा जाता है कैरिज क्या करता है, एक्चुअल में इधर स्लाइड कर सकता, इधर स्लाइड करता तो टेल स्टॉक व हेड स्टॉक दोनों की ओर जो है क्या कर सकता है, ये पूरी बॉडी इधर थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा स्लाइड कर सकती है, स्लाइड करने का कार्य करता है। तो स्लाइड कर सकती है, तो ये कार्य कौन करता है, यहाँ पर जो है आपके कैरिज का कार्य था। अब कैरिज ऐसे स्लाइड नहीं करता, एक्चुअल में इसकी भी क्या है, यहाँ पर यूं ही नहीं है कि मैंने कह दिया स्लाइड करने लग जाएगा आपने लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके भी भाग होते हैं, देखिएगा इसके जो है भाग होते हैं, तो इसके कौन कौन से भाग रहते हैं कैरिज के, वहां पर अपन जिक्र करते हैं जिनके इस पर फिट रहते हैं सारे के सारे, जिस पर अपन जिक्र करेंगे। तो पहला भाग आपने नाम सुना हो तो इसमें होता है सैडल, ये लगा रहता है, इसी में रहता है फिट, इधर भी लगा रहता है, तो यहां इसको बोलते हैं सैडल। क्या लगा रहता है सैडल, तो ये देखिएगा इसका जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा शेडल। तो शेडल आपका ये भाग होगा। अब शेडल जो होता है ये एक्चुअल में होता क्या है, तो ये यहाँ पर देखो ये एक आकार बना रहता है इसका, पर्टिकुलर एच आकार। कौन सा आकार, अगर आपकी पूछे गए शेडल का आकार कैसा होता, तो ये एच आकार का होता, कौन सा आकार का होता। दूसरी बात है अगर आपसे पूछे कि किसका बना होता है, मेटल का अगर जिक्र पूछ लिया आपसे, तो आपको बताना है यहाँ कास्ट आयरन, क्या कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का मतलब होता है ढलवा लोहा, क्या ढलवा लोहा। और ढलवा लोहा की अगर बात करते हैं तो ये आपको ध्यान देना है, तो ढलवा लोहा ये बना होता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, एच आकार है, मेटल में बना होता है कास्ट आयरन, इस पर अपन यहाँ पर जिक्र करते हैं, तो ये चीज आपको देखने है। अब यहाँ देखिएगा सैडल की बात करते हैं, तो सैडल की बात करते हैं, तो सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड होता, क्या होता सैडल के ऊपर, क्या होता है क्रॉस स्लाइड। तो ये सैडल है, मान लीजिए क्या है यहाँ पर सैडल, और सैडल के ऊपर क्या है क्रॉस स्लाइड, क्या है ध्यान देना सैडल, सैडल के ऊपर क्या है क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड ध्यान दीजिएगा, सैडल सैडल के ऊपर है क्रॉस स्लाइड। अब क्रॉस स्लाइड इसके ऊपर है, और यहां पर क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट है, क्या है यहां पर इसके ऊपर क्या है कंपाउंड रेस्ट, क्या है कंपाउंड रेस्ट ध्यान दीजिएगा कंपाउंड रेस्ट इसके ऊपर, याद रखना आपको ये कंपाउंड रेस्ट है। और यहां पर बात करते हैं तो कंपाउंड रेस्ट के ऊपर जो होता है वो टूल पोस्ट होता है, क्या होता है टूल पोस्ट होता है, क्या होता है टूल पोस्ट, सॉरी इसके ऊपर है कंपाउंड पोस्ट के ऊपर क्या है टूल पोस्ट, तो टूल पोस्ट। अब टूल पोस्ट पर क्या लगा रहता है, टूल पोस्ट पर क्या लगा रहता है टूल, क्या लगा रहता है टूल, टूल पोस्ट पर ओजा लगा रहता है। तो इस तरह से चलता है। तो यहां पर देखिएगा इस कैरिज में सबसे यहां देखिएगा ध्यान देने के बाद, इसके भी सैडल के भी नीचे अगर बात करते हैं, तो सबसे नीचे का भाग अगर बात करते हैं, तो सबसे नीचे का भाग, नीचे का भाग कौन सा होगा, तो एप्रन होगा, क्या होगा एप्रन, सबसे नीचे का भाग एप्रन होता है। तो इसमें सबसे नीचे आपसे पूछा जाता है कैरिज में सबसे नीचे का भाग कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन एप्रन, उसके ऊपर का भाग सैडल, उसके ऊपर का भाग क्रॉस स्लाइड, उसके ऊपर कंपाउंड पोस्ट, सबसे ऊपर का भाग कौन सा होगा, तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊपर का भाग, सबसे ऊपर, तो यहां पर देखिएगा सबसे ऊपर का भाग और सबसे नीचे, तो सबसे नीचे का भाग कौन सा होगा, सबसे नीचे का और सबसे ऊपर का भागों का अगर जिक्र करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे ऊपर का भाग क्या होता, सबसे नीचे का भाग क्या होता, इन सब को अपन को समझना होता। अब आप कहते हो कि सर ये तो बात सही है कि सबसे ऊपर का क्या होगा तो सबसे नीचे का क्या होगा, दोनों को अपन को समझना होगा, तो क्या क्या चीज होगी, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखना है ये कंपाउंड रेस्ट है, टेल पोस्ट है, क्रॉस स्लाइड है, सैडल है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरह से अपना यहाँ जाता है, सबसे ऊपर जो आता है ये टूल पोस्ट आता है, क्या आता है टूल पोस्ट, ये कंपाउंड रेस्ट यहाँ तक पहुँच गया, सबसे ऊपर क्या आया टूल पोस्ट, ये टूल पोस्ट जो है सबसे ऊपर आया, ठीक है। ये कैरिज यहाँ पर सबसे पहले एप्रिन, फिर यहाँ पर कैरिज के ही भाग, फिर सैडल, यहाँ तो देखिए वो लास्ट में पहुंच करके किस पर पहुंच गया टूल पोस्ट में, तो सबसे ऊपर कौन सा आया टूल पोस्ट। ये चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही है,
इनको मैं अलग अलग करके भी बताऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं, सबको विस्तार से एक एक करके बताऊंगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, आ रही ना। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था शेड्यूल के बारे में, किसके बारे में, शेड्यूल के बारे में, और शेड्यूल का ही अपन यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। तो शेड्यूल किस आकार का बना होता है इसका बात करता है। इसके बाद आता है यहाँ पर देखिएगा एक और कंपाउंड रस्ट, क्या आता है ये रहा कंपाउंड रस्ट में लिखा हुआ। कंपाउंड रेस्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, कंपाउंड रेस्ट। और कंपाउंड रेस्ट का अगर जिक्र करते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में, कंपाउंड सेडल के ऊपर लगा रहता है। तो ये तो बात क्लियर होगी, कहाँ, किसके, सेडल के ऊपर। तो यहाँ पर अब ऊपर की कंडीशन में जो लगा रहता है सेडल के, कौन लगा रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपाउंड रेस्ट। अब कंपाउंड रेस्ट ये सेडल है यहाँ से ऊपर लगा हुआ, ये देखिएगा कंपाउंड रेस्ट, देखो इसके ऊपर ही है ना यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला भाग ही है। परंतु यहाँ पर देखना तो इसमें क्या होती है, कंपाउंड रेस्ट में ग्रेजुएशन बनी होती है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है यहाँ पर ग्रेजुएशन, देखना इसमें इसमें बनी होती है ग्रेजुएशन। तो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें ग्रेजुएशन बनी होती है, तो ग्रेजुएशन बनी होती है तो आपको बताना है कंपाउंड रेस्ट में, किसमें, कंपाउंड रेस्ट में क्या बनी होती है, ग्रेजुएशन बनी होती है। ग्रेजुएशन का तो अपन जिक्र समझ ही रहे, लेकिन कितने डिग्री के कोण पर इसको घुमाकर सेट किया जा सकता है, तो सेट किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, है ना, सेट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, घुमाकर, कैसे, घुमा पर सेट तो कर सकते हैं, लेकिन कितने पर, 180 डिग्री पर, कितना पर, 180 डिग्री पर, अर्थात एक सरल रेखीय में, किसमें, सरल रेखीय रूप से आराम से सेट किया जा सकता है 180 डिग्री तक। कितने तक, एक सरल रेखीय रूप से मतलब आराम से 180 डिग्री तक इसको क्या कर सकते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ की साथ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत कोई असुविधा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी ही बात कर रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हो कि कैसी कंडीशन आ रही है। इसके बाद में लास्ट में आता है एप्रिन, जिसका अपन जिक्र करेंगे। तो एप्रिन क्या होता है इसको भी अपन समझते हैं, ठीक है। और एप्रिन का क्या कर रहे हैं अपन, कैरिज के भाग का बात कर रहे हैं, और उन्हीं में अपन बात करते हैं। तो एप्रिन आ गया अपने सामने, तो एप्रिन अपने सामने आ गया। तो एप्रिन क्या है, क्या चीज, तो एप्रिन के बारे में अगर बात करते हैं, तो एप्रिन जो है सेडल के साथ फिट रहता है और ऑटोमेटिक फीड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सेडल के साथ, किसके साथ, सेडल के साथ फिट रहता है, क्या, साथ फिट रहता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक फीड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका यूज क्या होता है, ऑटोमेटिक फीड, ऑटोमेटिक फीड हेतु यूज लिया जाता है। तो इसकी उपयोगिता आप समझ सकते हो क्या है, ऑटोमेटिक फीड के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहां पर बात बता रहा हूं तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि एप्रिन का क्या कर रहे, तो ऑटोमेटिक फीड प्रदान करने के लिए एप्रिन का प्रयोग किया जाता है। तो भाइयों मैं एक एक चीज को आपको विस्तार से बता रहा हूं, समझ में तो आ ही रहा होगा। इसके बाद यहां पर देखिएगा, अभी तो मैं आपको ये एक एक चीजों के बारे में जो बता रहा हूं ये थोड़ा सा डिटेल नहीं है, इनके जब अलग अलग पार्ट्स को अपन निचोड़ करके अलग अलग डायग्राम से पढ़ाऊं ना, तब आपको ये पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये होता है। इनको वीडियो को पेन ड्राइव या जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस की ऐप पर भी आप लोग जो है देख सकते हो, जिसमें कि कोई वीडियो आपको नहीं मिल रहा हो या अधूरा हो या पूरा नहीं हो रहा हो या फिर कोर्स पूरा नहीं है अधूरा है, ये सारी शिकायतों का समाधान आपको वहां मिलेगा और उस पर आपको सारे के सारे मिलेंगे, जो कि पेमेंट मोड पर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। पूरे वीडियो यहाँ यूट्यूब में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, आप परेशान मत होना कि सर पूरे वीडियो नहीं मिल रहे हैं या अधूरे मिल रहे हैं, सर लेथ मशीन आदि तो आगे आदि नहीं आई या फिर फिटर का आधे भाग आगे आदि नहीं आए, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप जो जुगल सर ऐप या जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस या पेन ड्राइव की सहायता से अपन जो यूज ले सकते हैं, सारे यूट्यूब पर डालना संभव नहीं है, वो पेमेंट मोड पर रहेगा, ठीक है, धन्यवाद, बात समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो इसके बाद आता है यहाँ जो देख रहे हो, एक होता है लीड स्क्रू, ये क्या है भाग, लीड स्क्रू, ऐसी एक थ्रेडेड रोड होती है, कार्बन से थ्रेडेड क्या होती है, रोड होती है, जिस पर क्या बनी होती है, एक में चूड़िया बनी होती है, क्या बनी होती है, एक में चूड़िया बनी होती है, तो इसको बोलते हैं लीड स्क्रू, क्या बोलते हैं, लीड स्क्रू। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लीड स्क्रू की बात करते हैं, तो ये लीड स्क्रू क्या होता है एक्चुअल में, तो लीड स्क्रू क्या होता है, कार्बन की बनी होती है, किसकी, कार्बन, कार्बन में, अब थ्रेडर का मतलब चूड़िया बनी होती है, तो चूड़िया तो बनी होती है, लेकिन चूड़िया कौन सी बनी होती है, एक में बनी होती है, और एक में चूड़ियों का कौन जो होता है 47.5 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 47.5 डिग्री का। अच्छा बात सुनिए, यहाँ पर जो है एक में चूड़िया बनी होती है, और ये एक में चूड़िया जो यूज में आती है वो आती है पावर ट्रांसफर के लिए, किसके लिए, पावर, पावर ट्रांस
मिशन हेतु। मतलब यूं समझेगा कि शक्ति संचरण के लिए इनका यूज हो रहा है, शक्ति संचरण के लिए। अर्थात यहाँ जो यूज कर रहे हैं इसका, तो शक्ति संचरण के लिए यूज कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं। चूड़ियां बनी होती है इसमें, एक में चूड़ियां बनी होती है, कार्बन का बना होता है, लीड इसको होता है ये आपके, जिसकी सहायता से ये ऑटोमेटिक फीड भी प्रदान करता है और यहाँ चलता है, आगे पीछे गति करता, पावर ट्रांसमिट करता है, ये कार्य होता है। और ये जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, लीड स्क्रू नट बोल्ट के सिद्धांत पर, क्या, या मैकेनिकल लीवरेज के सिद्धांत पर। नट बोल्ट बोल सकते हो, या फिर मैकेनिकल लीवरेज, क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल लीवरेज के सिद्धांत पर, लीवरेज के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये सारे की सारी चीजें आप देख पा रहे हो यहाँ पर सारा का सारा। अब टूल पोस्ट का क्या कारण है आपसे पूछ लिया जाए, ताकि टूल पोस्ट जो होता है इसका क्या कार्य रहेगा। तो टूल को इस पर जो है क्लेम किया जाता है, टूल को इस पर कसा जाता है, टूल पोस्ट पर क्या कसा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि टूल पोस्ट का क्या कार्य है, तो इसको इसका यूज होगा टूल को कसना, क्या, टूल क्लेम करना, टूल को क्लेम करना। तो यहाँ टूल क्लेम करने का कार्य जो होता है वो टूल पोस्ट का होगा, किसका होगा, यहाँ पर टूल को क्लेम कर लेता है। और इसकी सहायता से टूल क्या करता है, कटिंग करता है, क्या करता है, कटिंग करता है, स्लाइड करता है, स्लाइड भी करते हैं आगे पीछे जो है, इसी की सहायता से यहाँ पर स्लाइड करते हुए कटिंग करता है। तो ये जो थोड़ा बहुत आगे पीछे से स्लाइड कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद से देखते हो तो चक क्या होगा, तो चक की बात करते हैं, तो ये किसी भी जॉब को, गोल जॉब रहता है जिसको मजबूती से, यहाँ पर ये कोई गोल जॉब है, इसको मजबूती से यहाँ पर चकड़ने के लिए ये जो चक है, ये फोर्जा चक क्या हो सकता है, फोर जा, इसके बाद में थ्री जा सकता है, थ्री जा, ठीक है। इसके बाद में होता है कोलेट, क्या होता है, कोलेट। इसके बाद में होता है मैग्नेटिज्म, क्या होता है, कोलेट। और इसके बाद में होता है यहाँ पर मैग्नेटिज्म, क्या होता है, चौथा नंबर का, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक चक। तो इस तरह चुंबकीय प्रभाव के कोलेट चक का फोर्जा चक सबसे मजबूत चक होता है, चार जबड़े वाला चक, चार जबड़ा मजबूती से जकड़ लेता है, लेकिन ये फ्रीडम नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा ये आपका यूनिवर्सल होता है, जिसको त्रिजा चक बोलते हैं, स्वतंत्र चक फोर्जा को ही बोलते हैं, जो सबसे मजबूती के लिए, सबसे भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। त्रिजा और स्वतंत्र चक कहलाता है, जिसमें वो क्या नाम से यूनिवर्सल चक कहलाता है, जो कि तीनों जबड़ों से एक साथ जकड़ लेता है। ये बात ध्यान रखना, कोलेट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के आकार के जो है, जरूरी नहीं है गोल जो भी हो, अनेक प्रकार जॉब की सहायता से कर सकते हैं। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक पावर चक का प्रयोग करके प्रयोग लाया जाता है। इस तरह से सारे के सारे चक आपके यहाँ पर आते हैं, जो कि यहाँ पर इसमें गोल रॉक को पिसा करके प्रयोग में लाया जाता है। अब आप कहोगे सर ये चक प्रयोग में आ गया, लेकिन इनका सर पूरा डिटेल बता दो ना, एक चीज विस्तार से बता दो ना सर, विस्तार से जीवनी बता दो ना। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा जब चक सर्वाधिक मजबूती से जकड़ने के लिए प्रयोग में लाता है गोल जॉब को, तो आपको बताना है फोर्जा, चार जबड़े वाला चक, यूनिवर्सल चक किसे कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आता है तो एग्जाम आपका देना है कि त्रिज्या चक को यूनिवर्सल चक भी कहा जाता है। भैयो दोस्तों मित्रों, ये सारी चीजें तो मैं आपको इसी वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये फोर्जा त्रिज्या चक्र, इनका कोलेट चक्कर और मैग्नेटिक चक्कर डायग्राम सहित मैं अलग अलग करके बताऊंगा। उसके लिए मुझे पूरा पार्ट फिर से बनाना पड़ेगा, और वह केवल चक ही चलेगा। तब उसमें अपन मैं एक चैप्टर का नाम रखूंगा, लेथ मशीन चक, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लेथ मशीन चक का कार्य होता है किसी भी जॉब को मजबूती से क्लेम्प करना, किसी बेलनाकार सिलेंड्रिकल बेलनाकार गोल जॉब को मजबूती से क्लेम्प करने का कार्य चक का होता है, ये कार्य होता है लेथ मशीन पर। लेकिन आपको मैं इतना आसानी से आप बता दो कि सर ये आ जाएगा, तो इतना टाइम लगेगा इसमें बैक टू बैक, क्योंकि मैं एक चैप्टर डालूंगा चक ही ओनली, तब जाकर के पढ़ाई आ सकता, समझ में आ सकता है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। इन सभी पार्ट्सों को मैं फिर से एक बार और पढ़ाऊंगा अलग अलग नाम दे करके, जब आपको पढ़ना है। उम्मीद है सारी बातें आपको पसंद आ रही होगी ना दोस्तों। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने प्यारे दोस्तों को, सबको ज़्यादा से ज़्यादा लेथ मशीन जो पढ़ाई है मैंने, इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कम से कम फोन उठाइए, 10 व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जो भी सोशल साइट है उन पे दोस्तों देर ना करते हुए भेज दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपकी कोशिश ही हमारे लिए रंग लाएगी और हमारी कोशिश ही आपके लिए रंग लाएगी। और यही तो कहते हैं रंग तब लाती है जब अपन मेहनत करते हैं, और मेहनत आप पर हम मिलकर करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत कर ले मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रिझे कोने गुरु धनी और भगवान। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई, तो इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।